स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं मैं अपनी चैनल पे कोर्सेज लेके आती हूँ आपके यूपीएससी या स्टेट पी सोशियोलॉजी के जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है तो अभी हम करंटली नितिन सांगवान सर की जो बुक है उसके वीडियोज में बना रही हूँ पेपर ए हमारा कम्प्लीट हो गया है एंड पेपर बी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो ओवर हो गया है Uh, इसके बाद आपको इग्नो सीरीज रिलेटेड टू योर सोशियलॉजी ठीक है आपके सिविल सर्विसेज में जो भी उसका कंटेंट आपके सोशलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस आपके जो थिंकर्स के एक्स्ट्रा वीडियोस होते हैं रिविजन सीरीज वगैरह तो ये सारी चीजें मैं आने वाले टाइम में इस पर लेके आऊंगी तो अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं एंड अगर आप चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो हार्ट के अंदर वो डॉलर वाला साइन होता है प्लस अगर आप चाहें तो वॉलेंटरी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी चैनल की तरफ आपको यूपीआई आई डी मेरा कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे देख सकते हैं ठीक है तो चलते हैं नए टॉपिक की तरफ चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर इसमें हम देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिली विद टाइम तो हमें पता है इंडियन एग्रीकल्चर यूजुअली पहले क्या होता था लोग अपने लिए काम करते थे ठीक है सब्सिडेंस फार्मिंग कि जो वो प्रोड्यूस करेंगे वही वो कंज्यूम करेंगे लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इसको क्या देखा उन्होंने इसको एक मॉडल देखा जहाँ से वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सके तो उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन की कोशिश की मैक्सिमम प्रॉफिट उनको यहाँ से चाहिए था इस वजह से आहिस्ता सा क्या हुआ आपका जो लैंड है ये मार्केट में आया ये एक कमोडिटी बन गया ठीक है ये एक बड़ी चेंज थी जो हमें इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिली फिर विद टाइम हमने ये भी देखा आहिस्ता जब इंडिपेंडेंस के पास आया इंडिपेंडेंस के बाद भी देखा जाता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में काफी कम है ठीक है ये प्राइमरी सेक्टर है आपका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड फिफ्टीन परसेंट है आपके जी का लेकिन इस पे जो लोग इन्वॉल्व है पीपल जो एग्रीकल्चर में अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और काम इसमें करते हैं दैट इज So, सिर्फ आपको 15 GDP जो है वो मिलता है तो so, इसीलिए बोला जाता है इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड इकोनॉमी वो अभी भी डिक्लाइनिंग रेट में ही चल रहा है अगर आप रिसेंट डेटा देखोगे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का तो भी आप देखोगे की इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनमी में वो डिक्लाइन हो रहा है ठीक है अब हम देखते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो इंडियन एग्रीकल्चर है इट कंटिन्यू टू रिमेन इन द्रेडिशन मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो शेप बाई प्रेजेंट सोसाइटी इसको हम वेस्टर्न फ्यूडलिज्म से अलग करते हैं ठीक है हमारा जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है उसको हम सेमी फ्यूडल बोलते हैं उसको हम सेमी फ्यूडल क्यों बोलते हैं उससे पहले हम देखते हैं फ्यूडल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है जो आपके वेस्ट में था वहां पर एक किंग होता है ठीक है फर्स्ट नंबर पे वो क्या करता है वो लैंड देता है ग्रांट करता है लैंड को नोबल्स को या उनको हम बेरेंट्स भी बोलते हैं ठीक है अब वो इनको लैंड देता है तो नोबल्स भी इन रिटर्न कुछ करेंगे वो फालतू में तो इनको लैंड नहीं देगा ना तो नोबल्स क्या करते हैं वो किंग को देते हैं मनी एंड नाइट्स के एन आई जी एस टी ठीक है नाइट्स तो ये नाइट्स कौन से होते हैं आपके बेसिकली नाइट्स होते हैं जो आपके मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो नोबल्स क्या करते हैं इन रिटर्न किंग को मनी दे देते दे हैं और नाइट्स दे देते दे हैं अब ये नाइट्स भी फ्री में काम नहीं करेंगे इनको कुछ चाहिए क्योंकि इनको किंग की सर्विस करनी है नोबल्स के थ्रू ये किंग के पास जाते हैं तो इनको नोबल्स से कुछ चाहिए तो इन नोबल्स क्या करते हैं ये इन नाइट्स को लैंड दे देते हैं उसके बदले उनकी मिलिट्री सर्विस लेते हैं फिर वो नाइट क्या करते हैं वो उस लैंड को किनको दे देते हैं पीजेंस को फॉर एग्रीकल्चर ठीक है तो ये एक इनका सेटअप चलता है ऐसे ही और इन रिटर्निंग प्रेजेंट्स को फूड एंड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये था एक फ्यूडल स्ट्रक्चर जो चल रहा था वेस्ट में इसको जो फ्यूडल स्ट्रक्चर बोलते हैं तो पहले कौन आ गया आपके किंग्स किंग्स ग्रांट करेंगे किनको लैंड जो सेकेंड नंबर पे है हाँ, आपके नोबल्स या उनको बैरन्स भी बोलते हैं तो इनको लैंड मिली इनको वापस किंग को कुछ देना है तो ये किंग को क्या देते हैं किंग को पैसे देते हैं उसकी जगह एंड नाइट्स देते हैं दैट मींस मिलिट्री देते हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं किंग्स कि को वॉर्स वगैरह फाइट करनी होती है तो उसको मिलिट्री की जरूरत पड़ती है मिलिट्री सर्विस की अब जो नाइट्स किंग के पास जाते हैं वो भी फालतू में नहीं जाएंगे उनको नोबल्स से कुछ चाहिए तो नोबल्स क्या कर देते हैं वो उनकी मिलिट्री सर्विस के बदले लैंड टू तो नाइट्स से देते थे ठीक है अब नाइट्स तो चले गए लड़ाई करने वो उस लैंड का क्या करेंगे वो वो लैंड दे देते थे पेजेंट्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए और पेजेंस को एन रिटर्न क्या मिलता था वहां से फूड एंड शेल्टर ये एक फ्यूडल स्ट्रक्चर बना था अब जो इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको हम सेमी फ्यूडल बोलते हैं ठीक है ये याद रख लेना सेमी फ्यूडल क्या होता है बेसिकली इसमें जो लैंड है वो जमींदार के पास होती है जमींदार हैज अ पीस ऑफ लैंड और वो क्या करता है वो पेजेंट्स को देता है या उनको पेजेंट्स बोलते थे या उनको नौकर बोलते थे उनको वो लैंड देता था कल्टिवेशन के लिए ठीक है और वहां से प्रॉफिट वगैरह ले लेता था जो भी उसके ग्रेन्स वगैरह वहां से प्रोड्यूस होते थे ठीक है तो पेजेंट्स को तो ये एक जो स्ट्रक्चर है इसको हम सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मोस्टली रिलेशन है वो डिटर्मिन होते हैं आपके कास्ट से कास्ट बेस्ड रिलेशन थे इसमें जजमानी सिस्टम था एंड ये एक प्रेजेंट सोसाइटी थी पेजेंट सोसाइटी वही जो जमींदारी सिस्टम है जमींदारी सिस्टम नहीं जमींदारी प्रथा इसको बोलते हैं जमींदार क्या कर देते थे पेजेंट्स को लैंड देते हैं एंड लैंड क्या पेजेंट्स क्या करते हैं इन रिटर्न कल्टीवेशन उनके लिए करते हैं जमींदार्स के लिए इसको हम जमींदार प्रथा बोलते हैं जमींदार प्रथा एंड यही आपका सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर है जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था ठीक है तो यही लिखा है इंडियन एग्रीकल्चर जो था वहां पे सेमी फ्यूडल सेटअप चल रहा था बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया ब्रिटिश ने क्या किया एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन लाने की कोशिश की जिसमें क्या हुआ लैंड एज वेल एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस केम टू द मार्केट अब उन्होंने क्या किया लैंड भी मार्केट में आ गया क्योंकि बिडिंग वाला आ गया सिस्टम कि अगर आपको वहां से प्रॉपर रेवेन्यू उस लैंड से नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते थे उस लैंड का ऑप्शन कर देते थे वो भी मार्केट में आ गया एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्योंकि वो क्या, क्या क्या करते थे उनको सरप्लस प्रोड्यूस करते थे प्रॉफिट के लिए आते थे और ऐसा ऐसा कैश क्रॉप पे आ गए तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है मार्केट में तो ये एक क्या बन गया था कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो कहीं ना कहीं हाईजैक कर रहा था आपके एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को ठीक है ओवर द इयर जो एग्रीकल्चर है लॉस्ट इज अर्लियर सिग्निफिकेंस एंड बिकेम ओनली अ मार्जिनल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी जो अभी भी हम देखते हैं मैंने फिफ्टीन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का एंड सिक्सेंट पॉपुलेशन जो है वो इसमें काम कर रही है इन कंट्रीज लाइक इंडिया जो मैन पावर एंगेजमेंट है स्टिल हाई इन द एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा सिक्सटी परसेंट एंड कॉन्ट्रीब्यून टू द इकॉनमी इज डिक्लाइनिंग फिफ्टीन परसेंट जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ डिलेमा ड्यू टू हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर टर्म्स एंड एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंगेजमेंट एंड लाइवलीहुड ऑन वन हैंड एंड डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ड्यू टू श्रिंकिंग शेयर इन जी डी पी ऑन द अदर तो एक साइड से ये इनके लिए डिलेमा है क्योंकि एक साइड से जहां आपका जो पॉपुलेशन uh, डिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो रही है एग्रीकल्चर पे इसमें जितने इन्वॉल्व हैं काम करने के लिए वो इंक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली आपका इसमें शेयर ऑफ जीडीपी भी इंक्रीज होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है ठीक है जो शेयर है इसका जी में वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा डिक्लाइन देखने को मिलेगा ये जो टाइकोटोम सिचुएशन है ये भी एक पार्ट है आपके चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट का जो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में और तब से कंडीशन कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुई है अभी भी डिक्लाइन ही कर रहा है और एक चेंज हुई एग्रेडियन स्ट्रक्चर में इसके इंटरनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो अर्लियर मोड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सच एज फ्यूडलिज्म एंड सोसाइटीज हैव डिसइंटीग्रेटेड और नए डिफरेंट डिफरेंशिएटेड सोशल स्ट्रक्चर्स आ गए हैं वो कैसे आ गए डिफरेंशिएटेड सोशल स्ट्रक्चर्स क्योंकि आपको साइंटिफिक इन्वेंशन नई हो गई मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया ठीक है उसने मशीन वगैरह इंट्रोड्यूस की कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर विद ब्रॉडर मार्केट इकोनमी एंड चेंज इन लेबर रिलेशन अब देखो वो वाली क्लास जो ये सारी चीज़ों से फायदा उठा सकती जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे साइंटिफिक इंटरवेंशन उन्होंने एग्रीकल्चर में इस चीज़ से फायदा उठाया जिनके पास पैसे थे मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वो वो सारी मशीनरी वगैरह एफोर्ड कर सकते थे ठीक है हमने अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी देखा ये चीजें जो एफोर्ड कर सकते थे जैसे आपके बिग जमींदार्स या बिग आपके फार्मर्स उनको फायदा हो गया और जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे उनको इससे उल्टा नुकसान ही पहुंचा एंड लेबर रिलेशन भी चेंज हो गया अब आप बोलोगे लेबर रिलेशन कैसे चेंज हो गया अब जो लेबर रिलेशन है वो भी कैपिटलिस्टिक बन गया ठीक है अब क्या हुआ आपका जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ मैंने आपको कहा माइग्रेशन एक बहुत बड़ी चीज हो गई अब जो नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया से लेबर आता था, था वो माइग्रेट करके ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में चला गया क्योंकि फार्मिंग जो है वो एक प्रोफिटेबल एक्टिविटी होने लगी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फाइन तो क्या करते थे लोग अब पहले क्या होता था जैसे आपके गाँव में जो लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉय किया जमीन पर अपनी अब वो चीज़ खत्म हो गई अब ये अपने उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जगह जो माइग्रेंट्स आते थे लेबर्स उनको एम्प्लॉयमेंट देने लगे ठीक है वो क्यों किया क्योंकि माइग्रेंट देखो माइग्रेंट आया होता है काम करने के लिए उसको आप कम वेजेस पे भी दो क्योंकि वो अपना गांव अपना घर छोड़ के आया होता है तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो एक माइग्रेंट वर्कर को अगर आप हायर करोगे उसको एक्सप्लॉयड करने की आपके पास जो पावर है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू तो दो जो वहां के नेटिवस होते हैं पहला क्योंकि नेटिव्स के साथ एक रिलेशन डेवलप हो गया होता है सेकेंडली नेटिव्स उतने मजबूर नहीं होते क्योंकि वो वहीं रहे रह रहे होते हैं उनको अपना घर छोड़ के जॉब मतलब काम ढूंढने की जरूरत नहीं होती जैसे माइग्रेंट्स कर रहे होते हैं तो जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है ठीक है तो इस चीज़ को एक्सप्लोइट किया गया इसीलिए जो रिलेशन थे लेबर्स के और लेबर के और उनके जमींदार्स के उन रिलेशन में भी हमें चेंजेस देखने को मिली ठीक है इससे क्या हो रहा है जो इससे क्या हुआ जो जो सोशल रिलेशन था प्रोडक्शन का लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक रिलेशन इन द एग्रेरियन सेक्टर अब एग्रेरियन सेक्टर में भी कैपिटलिस्टिक रिलेशन हुआ देखो अगर मार्क्स को रिकॉल करो हमने मार्क्स में क्या पढ़ा था हमने बोला था एलिनेशन हाई हो जाती है क्योंकि जो वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट उसका उसके साथ कोई वैल्यू डायरेक्टली नहीं होता है ठीक है ही फील्स एलिनेटेड फ्रॉम इज ओन प्रोडक्ट ठीक है फ्रॉम इज ओन प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल एक लेबर अगर आईफोन फैक्ट्री में काम करता है उस आईफोन की उस लेबर के लिए कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसको पता है वो कभी एफर्ड नहीं कर, कर कर, सकता है वो आईफोन ठीक है अब एक माइग्रेंट को जब आप वो जमीन पे काम करने के लिए देते हो माइग्रेंट उसको सिर्फ एक कमोडिटी की तरह देखेगा माइग्रेंट की वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी उस जमीन के साथ जो उस इंसान की होगी जो उसी जगह रहता होगा ठीक है तो अब क्या होने लगा यही जो चीज है ये कैपिटलिस्टिक रिलेशन जो है जो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपके एलिनेशन वगैरह वो सारा वाला कॉन्सेप्ट याद करो वो रिलेशन आपके एग्रेरियन सेक्टर में भी आ गए एक तो क्या कैपिटलिस्टिक रिलेशन आ गए एक तो आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है वो जो एक्सप्लॉयटेशन थी जैसे वहां लेबर्स की होती थी वो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे जो माइग्रेंट फार्म माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी होने लगी और मैंने वही एलिनेशन वाली बात कही जो अगर काल मार्क्स के परस्पेक्टिव में हम देखें वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने लगा ठीक है तो ऐसे करके अगर आप अपने आंसर लिखोगे ना तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप अपने आंसर्स को ऐसे अलग अलग डायमेंशन में टैकल कर सकते हो ठीक

पेजेंस जो थे नाउ वर्क ऑन यर फार्म विद मॉडर्न मशीन एंड प्रोड्यूस कैश क्रॉप सोल्ड इन द मार्केट उनका प्राइमरी कंसर्न क्या था प्रॉफिट लेना कल्टिवेशन के कल्टिवेशन uh, से एंड ना कि सबसेस्टेंस दैट दैट मीन्स वो सिर्फ अपने कंजम्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं करते थे ठीक है इस वजह से क्या हो गया जो पेजेंट्स है वो ट्रांसफर्म किस में हो गए एंटरप्राइजिंग फार्मर्स में तो ये ऐसे की वर्ड्स हैं जो अपने आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आप अच्छे से नितिन सांगवान सर की बुक पढ़ोगे ना आपको किसी और रिसोर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी खासकर जो पेपर बी का जो इनका एडिशन आया है उसके बाद अगर आप पेपर बी यहाँ से करोगे ना तो ऐसे जैसे मैं आपको एक एक कीवर्ड तोड़ के बताती हूँ ना ऐसे करके अगर आप चैप्टर समझोगे एंड आपको यहाँ से मोर देन इनफ कंटेंट मिल जाएगा आपके आंसर्स के लिए दस जो पेजेंट्स है ट्रांसफॉर्म इन टू एंटरप्राइजिंग फार्मर्स ठीक है क्योंकि अब उसको वो एग्रीकल्चर को एज एन एंटरप्राइज देखने लगे थे चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर जो है कैन बी समड अप अब क्या हम उसको समरी एक लिखते हैं पॉइंट्स में लिखते हैं क्या क्या चेंजेस आई इंडियन एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ठीक है शिफ्ट इन पेमेंट जो कैश इन पहले क्या करते काइंड में पे करते दैट मीन्स ग्रेन वगैरह अब वो कैशेस में पे करने लगे ठीक अब जो ग्रेन उनको मिलता था कंज्यूम करने के लिए अब उनको उसके पैसे मिलते हैं और वही चीज़ें उनको मार्केट में जाके खरीदनी पड़ती है एंड वहाँ अगर उनको महंगी भी मिलेंगी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड इसकी वजह से वो इंडेटनेस में भी आ गए क्योंकि जो पैसा है वो सिर्फ फिर फूड पर नहीं ख़त्म एक्टिविटीज़ पर नहीं स्पेंड करेंगे वो बाकी हेल्थ में बच्चों की शादी हो गई थोड़ा बहुत एजुकेशन का भी स्टार्ट हो रहा था उसमें भी पैसे लग जाएंगे तो इन सब चीज़ों की वजह से और क्या हो गया आपका फूड इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो गई एंड इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर क्योंकि कल्टिवेशन जो है मोर लेबर इंटेंसिव भी बन गया ठीक है तो आपका क्या हो गया इसमें एग्रीकल्चर लेबर जो है उसका यूज भी इंक्रीज हो गया एंड रूरल एरियाज बिकेम मोर इंटीग्रेटेड वाइडर इंटरनेशनल इकोनॉमी अब जो रूरल एरियाज है या रूरल इकोनॉमी आप बोल सकोगे उसकी इंटीग्रेशन एक वाइडर इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ भी होने लगी ठीक है फिफ्थ पॉइंट देख लो लूजिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड्स और हेरिडिटरी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स और लैंड ओनर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड द राइज ऑफ ए न्यू एंड द राइज ऑफ ए क्लास ऑफ फ्री वेज लेबर अगेन जो आपके माइग्रेंट्स आते थे दूसरी जगहों से ठीक है तो वो आने लगे एंड ये जो रिलेशनशिप मैंने कहा एक बॉन्ड और हेरिडिटरी रिलेशनशिप बना हुआ था ये भी जो है कम होने लगा शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन टू प्रोडक्शन फॉर मार्केट ठीक है पहले कंज्यूम करने के लिए सब्सिस्टेंस बोलते हैं अब वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने लगे वो शिफ्ट भी हमें देखने को मिला अब कल्टिवेशन हमारी क्या हो गई कमर्शलाइज हो गई ये कमर्शियल मार्केट ओरिएंटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी बन गई बाकी सोशल चेंजेस क्या हो रहे थे सोशल स्ट्रक्चर में स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रूरल सेमी अर्बन एरियाज में सेटअप होने लगे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस दैट मीनस अब आपने थोड़ा फार्मिंग कैसे करनी है उस रिलेटेड टेक्निक्स एजुकेशन वगैरह एग्रीकल्चर में भी घुसाने की कोशिश की कोऑप्रेटिव वगैरह बनने लगे ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ठीक है ऑल्सो इफेक्टेड द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन रूल एरियाज तो इन सब चीजों से क्या हो गया आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था रूरल एरियाज का वो इंपैक्ट होने लगा क्योंकि एजुकेशन ठीक है इसमें थोड़ी तो टेक्नोलॉजी फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब यही आप, आप टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करने लगे एजुकेशन इनोवेशन यूज करने लगे एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिली पीसी जोशी लुक एट द इंडियन एग्रेड सिस्टम फ्रॉम ए एग्रीकल्चर जो ब्रिटिश रूल के टाइम था वो एक फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था ठीक है ब्रिटिश ने क्या किया मेनी रिफॉर्म्स लाए इन मेनी एरियाज एग्रीकल्चर रिमेन अनटच्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एंड ओनरशिप रिफॉर्म्स तो ये किसका कहना था पीसी जोशी का ए आर डिस के भी सिमिलर व्यूज थे उन्होंने कहा था जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स इट वॉज इम्पोज फ्राम अबाइ बाई कॉलोनाइजर्स एज इट वॉज नॉट प्रजेंट अर्लियर एंड इट वॉज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्राम द फ्यूडलिज्म प्रेजेंट इन द यूरोप जो यूरोप में था वो डिफरेंट था यहाँ से इंडिया से क्योंकि इंडिया में इसको इस फ्यूडल स्ट्रक्चर को जो है ये कॉलोनाइजर्स हैं आपके ब्रिटिश ऑफिशल्स हैं उनसे इम्पोज किया गया था ये स्ट्रक्चर उनका बनाया हुआ था ठीक है लेकिन वेस्टर्न में ऐसा नहीं हो वेस्टर्न में ना आपको कहा क्या हुआ था वहां करके जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ था क्लेम्स कॉन इंडियन मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन एज अ फ्यूडल मोड ऑफ वर रिजेक्टेड डैनियल थॉर्नर एंड अदर्स ठीक है देखो ये कैसे इफेक्ट करेगा ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन को पहले अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है एग्रीकल्चर में नॉर्मली चल रहे तो जमींदारी पिजेंट उसी रिलेशन पे कास्ट रिलेशन पे वही सारी डिटरमिन करेगा आपका एग्रीकल्चर पे काम कैसा होगा लेकिन जहां हम थोड़े एजुकेशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज दैट मींस नई इनोवेशन नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम फार्मिंग में लेके आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रही है कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रही है तो आपका जो एग्रीकल्चर में काम हो रहा है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी ठीक है ये इसके कहने का मतलब था अब कुछ हम थिंकर्स का नाम देखते हैं पीसी जोशी और ए आर देसाई इन दोनों का क्या कहना था कि इंडिया में हमारा फ्यूडल स्ट्रक्चर फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ही था दैट मींस वही आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ था ज़मींदारी एंड पेजेंट्स वगैरह का तो ये दोनों इसी थॉट को सपोर्ट करते थे ठीक है पीसी जोशी जो थे उन्होंने कहा इंडियन एग्रेरियन सिस्टम को देखा फ्यूडलिस्टिक पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा एग्रीकल्चर ज्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो था फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में था ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स वगैरह लेके आए थे लेकिन उन रिफॉर्म्स का कुछ खास असर आपके एग्रीकल्चर पे नहीं पड़ा था एंड जो एग्रीकल्चर है वो आपका उसी बेसिस पे चल रहा था फ्यूडल मोड ऑफ़ प्रोडक्शन जमींदारी आपके पेजेंट्स वगैरह और वही चीज़ जो है लिंकेजेस बिटवीन द लैंड एंड कास्ट वर स्ट्रॉ वर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो ठीक है तो वही सेम मॉडल आपका चल रहा था इसमें कुछ ऐसी खास चेंजेस नहीं हमने देखने को मिली थी ऑल दो तो जैसे कोई रिफॉर्म्स वगैरह लाए थे लेकिन जो एग्रीकल्चर था वो अनटच रह गया था इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसीलिए हमने वहां पर कुछ चेंजेस नहीं देखी एआर दस आई ने भी इसी थॉट को सपोर्ट किया उन्होंने कहा फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन ही था कॉलोनियल टाइम्स पे भी वही आपका जमींदारी पीजन से काम करवाना वही चल रहा था एंड ये जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था ये डिफरेंट था उन्होंने और एक बात बोली थी ये डिफरेंट था आपके फ्यूडलिज्म इन यूरोप से क्योंकि जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था वही जमींदार कैसे एक्सप्लॉयट करेंगे वो तीन जो हमें पड़े थे वो याद लाओ जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम रेहतवारी महलवारी तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था इट वॉज इम्पोज फ्रॉम अबउ दैट मींस ये कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने खुद से इम्पोज करा था इसीलिए डिफरेंट था जो आपके वेस्ट में डेवलप हुआ था आपके यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप हुआ था जिसमें किंग्स जो है उनके पास अथॉरिटी थी ठीक है ये था आपका फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन को सपोर्ट करते थे पी सी जोशी एंड ए आर दस फिर इनको काउंटर किया डैनियल थॉर्नर ने उन्होंने कहा यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन बढ़ गई थोड़े बहुत पैसे आ गए एग्रीकल्चर फील्ड में तो रूरल एग्रीकल्चरिस्ट ऑन्ट्रप्रनर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उन्होंने क्या किया मॉडर्न मीन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज किया जैसे आपके यही टेक् आपकी मशीन्स मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैश क्रॉप ज्यादा कल्टिवेट करना तो उन्होंने क्या किया इन्वेस्टमेंट की एग्रीकल्चर एंड लैंड में इसकी वजह से आपका कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ ना कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन ठीक है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए रोडोल्फ एंड रोडोल्फ ने क्या कहा उन्होंने कहा एग्रीकल्चरिस्ट कैपिटलिस्ट को ब्लॉक कैपिटलिस्ट ठीक है ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो उन्होंने दी थी ये आपको अपने आंसर में यूज करनी है फाइन आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो पीसी जोशियन ए आर टेस ने क्या कहा आपका जो पुराना फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था वही चल रहा था लेकिन डैनियल थॉन ने कहा नहीं चेंजेस आई लैंड रिफॉर्म्स आए गवर्नमेंट जॉब्स आ गए ऑन्ट्रप्रनर्स आ गए ठीक है एग्रीकल्चरिस्ट आ गए एम्प्लॉयज आ गए उन्होंने क्या किया उन्होंने मॉडर्न मीन्स ऑफ एजुकेशन मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज की ठीक है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया एग्रीकल्चर लैंड में जिस सबकी वजह से कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बन गया और ना कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने इसी को कंटिन्यू करते हुए क्या कहा एक टर्म दी ब्लॉक कैपिटलिस्ट तो ब्लॉक कैपिटलिस्ट कौन होते हैं बेसिकली एक नई क्लास इमर्ज हो गई जो इससे पहले नहीं थी कि कोई लैंड लॉर्ड क्लास नहीं थी जो अपने लैंड रेंट करते थे पिजेंस को वहाँ पे काम करवाते थे ना ही ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे ना ही ये एग्रीकल्चर लेबर्स थे ठीक है ये कौन थे आप बोल सकते हो मिडिल ऑफ द टू के बीच में मतलब ना ये ना स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे ही आपके बिग लैंड लॉर्ड थे यहाँ पे कहीं फॉल करते थे दैट इनके पास थोड़ी बहुत लैंड होगी मतलब बिल्कुल लैंडलेस नहीं होंगे इनकी तरह एंड बहुत ज्यादा लैंड नहीं होगी लैंड लॉर्ड्स की तरह इनके पास अपनी थोड़ी बहुत लैंड होती थी वो ये क्या करते थे उस पर वो हायर लेबर यूज नहीं करते थे वो उस पर ब्लॉक सेल्फ यूज करते थे उस पर वो सेल्फ ओन्ड ब्लॉक्स जो है बुल आपके वो बैल जो चलाते जो पुरानी मूवीज में देखा होगा हल चलाते थे जैसे सेल्फ ओन्ड ब्लॉक जो थे वो उनपे यूज करके क्या करते थे वहां से अपना जो प्रॉफिट है कमाते थे और वैसे करके वो उस लैंड में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनका कोई लेबर नहीं होता था ठीक है एंड उनको किसी को आगे वो पैसे देने नहीं होते थे उनकी अपनी जमीन होती थी तो इससे क्या हो गया उनकी जो अर्निंग है वहां से प्रॉफिट जो है वहां से वो अच्छा खासा बनना शुरू हो गया दे वर नॉट कैपिटलिस्ट फार्मर्स इन ट्रेडिशनल सेंस बट हैड जस्ट इनफ हैसेस टू एम्प्लॉय देयर ओन सेल्फ ओंड ब्लॉक्स इन देयर सेल्फ ओंड एग्रीकल्चर लैंड फॉर दिस रीजन रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने क्या कहा उनको ब्लॉक कैपिटलिस्ट कहा ऑल दो ब्लॉक्स अब यूज नहीं होते अभी आपने कहीं देखा बुल दौड़ रहे हो फार्म्स पे अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं थ्रेशर्स हैं हमारे पास मशीन हैं लेकिन अभी भी टर्म ब्लॉक कैपिटलिस्ट ही बोला जाता है

कैपिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हुए अकॉर्डिंग टू उत्सव पटनायक लार्जली डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक इसके पास कितनी जमीन है कौन कितना लेबर जो है एफोर्ड कर सकता है कितना प्रोड्यूस हो जाएगा किसकी लैंड से एंड क्या वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी होगी इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ जो एग्रीकल्चर की कैपिटलाइजेशन है वो जो आप एग्रीकल्चर पे काम करवाते हो एंड वहाँ से प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करते हो वो हर जगह सेम नहीं रहा सिमिलरली कैथलिन गो ने देखा तमिलनाडु में अपनी स्टडी ऑफ ंब पेटी इन तमिलनाडु फाउंड दैट देर इज अल्टेनियस एक्सिस्टेंस ऑफ बिग बर्जो रिच फार्मेटी बर्जोर फार्मर्स सेमी प्रॉलिटेरियन एंड प्यर प्रोलिटेरियन फार्मर्स ठीक है तो ये इन्होंने आपको एक एग्रीडियन स्ट्रक्चर दिया था कैथलीन गो ने ये भी याद रख लेना हेंस द कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडिया वॉज नॉट फुल डेवलप्ड आप ये नहीं कह सकते पूरा डेवलप हुआ कहीं ना कहीं अभी भी वही सेमी फ्यूडल सेटअप चल रहा था गेल ओम दैट इन केस ऑफ इंडिया मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रेजेंट एंड दिस इज दिसरेंटली कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इन पंजाब महाराष्ट्र हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड इट इज सेमी कैपिटलिस्ट इन गुजरात आंध्र प्रदेश राजस्थान सेमी फ्यूडल इन केस ऑफ ओरिसा वेस्ट बंगाल एंड ऑलमोस्ट फ्यूडल इन केस ऑफ बिहार ठीक है तो ये गेल ओम का कहना था उन्होंने कहा मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन कैप एग्रीकल्चर आपको एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो यहाँ से आप ये जरूरी लिखोगे कि गेल ओमेट ने क्या कहा था और आगे जाके फिर इस चीज का देखेंगे हम नेगेटिव भी लेकिन गेल उमेट ने क्या कहा था मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कैपिटलिस्टिक मोड पंजाब महाराष्ट्र हरियाणा वेस्टर्न यूपी ये हमने पढ़े अभी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन वाले जहां बहुत फायदा हुआ था सेमी फ्यू सेमी कैपिटलिस्ट कुछ एरियाज एंड सेमी फ्यूडल ओरिशा में वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट फ्यूडल इन केस ऑफ बिहार ठीक है दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मे नो लॉन्गर होल्ड ट्रू इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट इवन नाउ द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी अक्रॉस स्टेट्स एंड रीजन इन इंडिया तो कहीं ना कहीं ये चीज सच भी है ठीक है अब देख लेते हैं द चेंजिंग नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंड लॉर्ड्स हु यूजअली बिलोंग टू डोमिनट का एग्रीकल्चर वर्कर्स हु बिलोंग टू लोअर क्लास वॉज डिस्क्राइब बाई दोशियोलॉजिस्ट जैन ब्रीमन एज अ शिफ्ट फ्रॉम पेट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन वेल्थी फार्मर्स जो थे दे ऑफन प्रिफर टू एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स फॉर हार्वेस्टिंग एंड अदर सच इंटेंसिव ऑपरेशन रादर दैन द लोकल वर्किंग क्लास बिकॉज माइग्रेंट्स आर मोर इजीली एक्सप्लॉयड एंड कैन भी लो कैन बी पेड लोअर वेजेस तो, तो वही बात है जो मैंने आपको बताई जेन रीमैन ने बोला था कि एक पैटर्न टू एक्सप्लोयटेशन शिफ्ट हो गया था क्योंकि पहले जो काम करते थे आपके लिए वो इसलिए काम करते थे एक तो उसी गाँव के होते थे ठीक है आपका रिलेशन था हेरिडरी रिलेशन था नजवानी सिस्टम भी लेके आओ ठीक है वो एक बॉन्डिंग आपकी बनी हुई थी ट्रेडिशनल टाइज भी थे उसमें वो सारी चीज़ों पर आप काम करते थे लेकिन अब आपने क्या किया अब माइग्रेंट्स को हायर किया तो आपने उनकी एक्सप्लोइटेशन जो है वो ज्यादा की क्योंकि जो माइग्रेंट्स है उनके पास बारगेनिंग पावर नहीं होता है माइग्रेट उनको जो मिलेगा उनको काम करना है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के आए होते हैं ठीक है तो ये चेंज देखने को मिली जेन ब्रीमैन ने कहा पैटर्नेज टू एक्सप्लॉयटेशन तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कैसे पैटर्नेज टू एक्सप्लोइटेशन ये याद रख लेना जैन ब्रीमैन ने कहा है ये की वर्ड्स आप एग्जाम में यूज करोगे ठीक है तो यहाँ पे वही बात लिखी है एक्सप्लॉयट करते थे उनको कैन बी पेड लोअ लोअर वेजेस सच चेंजेस टू प्लेस इन मेरी एरियाज विद एग्रीकल्चर वॉज बिकमिंग मोर कमर्शलाइज स्पेषली आपके जो ग्रीन रेवल्यूशन वाले एरिया थे ये ट्रांसफॉर्मेशन था लेबर रिलेशन का इसको कुछ स्कॉलर्स ने कहा इट वज एन इंडिकेटिव ऑफ ट्रांजेक्शन टू कैपिटलिस्ट एग्रिकल एस कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इज बेड ऑन सेपरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ फ्री वेड लेबर मस्ट लाइक मार्क्स एंड आइडिया ऑफ लेबर और लेबर एस कमोडिटी ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये एक्सप्लेन किया है तो कैसे कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने लगा था ये आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि जैसे आप वहां पे वर्क से काम करवा रहे हो वैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी लेबरर्स को सेम कंडीशन में डाल रहे हो ठीक है और यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स का नाम जो है जरूरी मैं करना है जो ग्रीन रेवोल्यूशन मार्केटाइजेशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस मेड प्रॉफिट एज सेंट्रल टू फार्म एक्टिविटीज एंड ऑफ फार्म प्रोडक्शन इज नॉट मीयरली फुलफिलिंग नीड्स ऑफ फैमिली तो पहले क्या होता तो था सिर्फ कंजम्पशन के लिए लेकिन अब इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है आपके प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन के लिए ठीक है प्रॉफिट के लिए रूटन के अकॉर्डिंग इन सेवरल एग्रीकल्चरली रिच रीजन सचैसे कोस्टल आंध्र प्रदेश वेस्टर्न यूपी एंड सेंट्रल गुजरात वेल टू डू फार्मर्स जो थे डोमिनेंट कास्ट के होते थे उन्होंने वो क्या करते थे वो इन्वेस्ट करते थे प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू दी अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस वेंचर्स अब मैंने कहा एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल एक्टिविटी बन गई खासकर इन एरियाज में जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वहां पे इनफैक्ट जो गेल ओमेट ने बोला ही था वहां पे कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन चल रही थी दैट मीन्स प्रॉफिट जनरेशन वहां मैक्सिमम होते तो जो भी सरप्लस आता था वो दूसरे आपके बिजनेस में भी वो बिजनेस वेंचर्स में भी वो इन्वेस्ट करते थे तो यहाँ से एग्रीकल्चर से भी पैसे आ रहे थे और वहां से बिजनेस में भी जो है वो क्या कर रहे थे इन्वेस्ट कर रहे थे ऐसी बहुत सारी क्लासेस अगर आप एग्जाम्पल्स भी सोचो आपको मिल जाएंगी जो अभी भी ऐसा हो रहा है तो हमारे पास एक नई क्लास आ गई हमारे पास इसी चलते हुए एक रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास आ गई रूरल डोमिनेंट क्लास तो वो थी ही क्योंकि वहां से ऑब्वियसली उनका एग्रीकल्चर लैंड इतनी ज्यादा है वहां से प्रॉफिटेबल है एंड देन आपके वो अर्बन डोमिनेंट भी हो गए क्योंकि वहां भी उनका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होने लगा होते हैं ना जो गाँव में बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनको वहां भी बोलबाला होता है काफी अच्छा क्योंकि उनको प्रॉफिट वहां पर इतना होता है लैंड इतनी होती है तो वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वहां पे भी डोमिनेंट होते हैं जैसे गाँव में आपने देखा होगा वो वाली क्लास जमींदार जिनके वहां पे भी बहुत ज्यादा जमीन है तो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वहां पे भी वो डोमिनेंट है एंड अर्बन सिटीज में उनका बिजनेस इतना एक्सपैंड है उनके बच्चे सारे फॉरेन सेटल्ड हैं या उनके बच्चे जो है बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर उनके सिटीज में तो ये वो वाली क्लास है रूरल अर्बन सारे प्रोसीजर की वजह से आपके कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के जो ट्रांजेक्शन हो रहा था उस वजह से जो है सामने आ गई ठीक है इससे क्या हो गया न्यू ऑन्टरप्रीनर ग्रुप दैट मूड आउट ऑफ रूरल एरियाज इन फॉलोइंग इन ग्रोइंग टाउन गिविंग राइट टू न्यू रीजनल एलिट्स दट बिकेम इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली डोमिनेंट ठीक है हमने देख लिया एरियाज़ ऑफ रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देर हैज बीन कंसोलीडेशन ऑफ द ओल्ड लैंड कल्टिवेटिंग ग्रुप ट्रांसफॉर्म सेल्सू डायमिक रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास हमने अभी देखा लेकिन कुछ रीजन जैसे ईस्टर्न यूपी एन बिहार में लैक ऑफ इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स में पोलिटिकल मोबिलाइजेशन रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है मैं देर विलेटिवली फ्यू चेंजेस इन द एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड जो लिविंग कंडीशन ऑफ दी मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल तो ये जो हमने अभी बाकी जहां पर ट्रांजिशन हमने देखा टूवर्ड्स कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ये जो फायदा है रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास का ये सिर्फ वहीं इमर्ज हुआ एंड जो बाकी जगह थी जहां पे लैंड रिफॉर्म सही से नहीं लाए लैंड को सही से रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी सही से नहीं हो रही थी ठीक है इन सब चेंजेस की वजह से क्या हुआ एग्रीडेंस स्ट्रक्चर जो था वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहा और जो कंडीशन जिनकी बुरी थी वहाँ पर उनकी कंडीशन वैसी ही रही ठीक है अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें तो मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर विद वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सबसिसटेंस एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसज तो अभी भी बहुत ज्यादा जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं एंड वही सेम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसज से दैट मीस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो हम देख रहे थे ठीक है उनका कोई फायदा जो है इन लोगों को नहीं हुआ है दैट मीन्स अगर अभी भी ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं तो अभी भी प्रॉफिट डिपेंड उनका मेनली सीजन वगैरह पे ही है तो वो उतना ज्यादा वहां से अभी भी रेवेन्यू अपना जनरेट नहीं कर पाते हैं इस वजह से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू तो द इकोनमी भी कितना है अभी भी मिनिमल ठीक है ट्रेडिशल सोशल रिलेशन अभी भी एक्जिस्ट करते हैं रूरल एरियाज में हेंस इट विल नॉट बी फेर टू से कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है हैज टोटली ट्रांसफर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अब अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है मैंने इन डिटेल ये टॉपिक जो है कवर किया है कि कितना ट्रांजिशन हुआ है हमने देखा है ट्रेडिशनल टू मॉडर्न मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अब आप ये कवर जो है आराम से कर पाओगे कुछ सिटीज में कुछ एरियाज में हुआ कुछ एरियाज में नहीं हुआ एंड कई उन्हें पीसी जोशी एयर आर देसाई ने अभी भी फ्यूरलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा लेकिन आपके डैनियल थॉर्नर वगैरह ने कहा नहीं हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड uh, रोडोफ एंड रोडोल्फ ने इसी में आपको ब्लॉक कैपिटलिस्ट भी दिए एंड फिर गेल ओम ने क्या कहा आपको कि अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए यूज किए वहाँ पे आप बताओगे कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाली जो स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू गेल ओमवेट तो उन स्टेट्स में क्या फ़ायदा मिला और रूरल अर्बन डोमिन क्लास सामने आ गई लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए अभी भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंड करती है एंड हमारे पास ज़्यादा स्टेट्स वो हैं जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और वो अभी भी सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर सेटअप में ही चल रही हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं अब कुछ टॉपिक्स बजे मैं होप आई मतलब मैं कोशिश करूंगी कि नए वीडियो में आपका ये सारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो टिल द टाइम आप लोग न्यू वीडियो बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक शेण सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कॉमेंट्स से बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं